कल रात से मुराद ने कुछ नहीं खाया, ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक हम दोनों में से कोई एक हार नहीं जाता। बचपन से ही मुराद का जिद लगाने का यही तरीका है। कमरे में बंद कर लेता है अपने आप को, चुप लग जाती है, भूख हड़ताल कर देता है जब तक माँ हथियार नहीं डाल देती। पर मेरी भी जिद है, इस दफा मैंने अपनी ही बात मनमानी है। सोच ले अम्मी, ये मामला किसी खिलौने, बाइक या गाड़ी खरीदने का नहीं। शादी हो चुकी है मुराद की, उसकी बीवी का भी उतना ही हक है जितना हमारा। पहले ही अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। अब जितनी सख्ती दिखाएंगी ना आप, उतना मामला खराब होता जाएगा। मामला ही तो मैं खराब करना चाहती हूँ। मामले से ज्यादा ना मुराद भाई खराब होते जा रहे। मैंने इस घर में सिगरेट का एक टूटा तक नहीं देखा। अब जाए ऊपर जाकर देखे, मुराद भाई के कमरे में जली हुई सिगरेट का ढेर पड़ा हुआ है। देख लिया, इस लड़की ने ही बर्बाद किया, मेरे लड़के को बगाड़ा है, झूठ बोलने पर लगाया है, अब सिगरेटें पीने पर लगा दिया है। तुम लोग देखना जो मैंने उस लड़की को इस घर में एक कदम भी रखने दिया। आप तो मुराद भाई, मुराद भाई, मुराद बहुत ही अफसोस की बात है, तुम्हें आंटी को नहीं बताना चाहिए था। पता अच्छी तरह से जानती हो तुम आंटी को। बेचारे की अभी दो चार दिन पहले ही शादी हुई थी, खुशी से ही रह लेता वो। माँ को धोखा देते, उनकी आंखों में धूल झोंक के खुशियां मनानी थी उन्होंने। वो फैसले शादी करवाई किसने? उसी माँ ने करवाई है ना जिसको अपनी खुशियों का दुश्मन समझ रहे। देखो शादी के बाद कुछ बातें माँ से छुपानी पड़ती हैं और कुछ बातें अपनी बेगम से। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि कोई किसी की आंखों में धूल झोंक रहा है। मकसद तो सिर्फ ये होता है कि मामला साथ साथ चलते रहे। आपको बड़ा एक्सपीरियंस है सारे मामला साथ साथ चलाने का। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जब भी तुम्हारे भाई के बारे में बात करूंगा तुम मुझे ही टारगेट बना लोगी। हाँ तो अगर आप बात बात पे मन्नत की हिमायत करेंगे ना तो मैं बोलूंगी। इतनी भी कोई मजलूम नहीं है वो जितनी आप उसे समझ रहे हैं। एक नंबर की चलाक लड़की है वो। मुराद भाई को ढील देती ना तो उसे लेके अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा अम्मी का और हम बहनों का, कभी सोचा है आपने? ये अम्मी के बुढ़ापे का एक लौता ही सहारा है मुराद भाई। अम्मी की भी मजबूरी है उन्हें साथ रखना। फैसल मजबूरी नहीं, खुदगर्जी। सही है, खुदगर्जी है ना तो खुदगर्जी सही है। वैसे भी भाई आजकल के जमाने में हर कोई अपनी भलाई के बारे में सोच रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी खुदगर्जी से काम ले। मैं ऐसा भी आ रही हूँ। और मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन ये चट मंगनी और पट ब्याह वाला सिलसिला हुआ था। फ्रॉडी है वो लोग। उन्होंने ना फ्रॉड किया है फूफो जी के साथ। तो पहले उन्होंने अपनी बेटी को मुराद के साथ फंसाया और फिर रिश्ते वाली के साथ मिलके मुराद की उसी से शादी करा दी और पुप्पो जी बेचारी मासूम और नदान निकली। अल्लाह बचाए आजकल की लड़कियों से। अम्मी ने कितनी कोशिश की मुराद को बचाने की, क्या नतीजा निकला?
और वो समझ नहीं थी कि उन्होंने इससे शादी करा के अजरा से उसकी जान छुड़ा ली। ओ केड़ी अजरा, कहाँ की अजरा? और यही तो वो लड़की थी जो मुराद को लेकर सारे शहर में घूमती थी, वो अब तुम्हारे घर में घूमेगी मलका बनके। मैं ठीक नहीं कहता था कि फूफो जी को ये हवेली सारी बेटियों के नाम कर देने चाहिए, मगर नहीं, उन्हें तो अपना सब कुछ अपने इकलौते बेटे के लिए रखना था ना। तुम्हें हवेली की पड़ी है, अगली मेरा इकलौता भरा लेके चली गई है। और ये लव मैरिज का अंजाम ना और यही होता है। और तू नहीं जानती, ये जो ऑफिस में काम करने वाली औरतें होती है ना, और बड़ी कुछ तेज होती हैं। तौबा तौबा तौबा, नहीं तुम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमारे दिल से उतर गया है, दामादों की इज्जत देने के लायक ही नहीं है वो। यानी अगर इज्जत से बुलाओ तो आएगा नहीं, आएगा तो बिन बुलाए बला की तरह नाजिल हो जाएगा, वो भी आधी रात को। अच्छा हो गया कलाई खुल गई उसकी, घर जिम्मेदारी का अंदाजा हो गया, बल्कि अंदाजा भी क्या, हम तो पहले ही दिन औकात जान गए थे उसकी। बड़े भैया, अगर आप पहचान गए थे तो रिश्ते के लिए हाँ क्यों की थी आपने? हाँ तो आप ही ने की थी भैया, सबसे पहले मिठाई भी आप ही ने चखी थी उनके घर वालों से मिलकर, और फिर सारी जांच पड़ताल करवा के शादी भी आप ही ने करवाई थी। तो क्या करें, मुकदमा चलवा दो हम पे, सजा दिलवा दो हमें। भैया भैया प्लीज, मन्नत पहले ही परेशान है, कम से कम आप लोग तो आपस में मत लड़े। भाभी आप मेरे साथ चलें, हम दोनों जाके वहां पे देखते हैं मुराद के साथ मसला क्या है। खबरदार, अब तुम बताओगे क्या करना, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, बैठो आराम से। क्या लगता है तुम लोगों को, हमारी बेटी हमारे पे इतनी भारी है कि उनकी मिन्नत करें कि आकर ले जाइए अपनी अमानत को? अब तो आकर नाक रगड़ेगा तो भी भेजेंगे मन्नत को उसके साथ। सुन लो तुम सब, आंटी को बात का पता नहीं था, अब जब हकीकत खुली है तो वो रिएक्ट तो करेंगी। सो व्हाट अथर, शादी चाहे लव हो या अरेंज्ड हो, इससे मियां बीवी के रिश्ते पे क्या असर पड़ता है? मन्नत मुराद की बीवी है और उसे उसको वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो कोई भी शौहर अपने बीवी को देता है। मैंने उसे समझाया था, वो मान भी गया था कि वो मन्नत को लेने जाएगा, लेकिन आंटी ने उसे कसम दे दी। कसम नहीं, धमकी कहो, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है उसे, और मुराद छुप के बैठा हुआ है। मुझे बताओ तुम, मैं मन्नत को क्या कहूंगी, वो मुझे कॉल्स कर रही है। आंटी से बात करता हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारे इंतजार में बैठी है ना कि तुम आओ बात करो और तुम्हारी बात फौरन मान ले। आपने बुलाया? जी बैठिए। बशीर साहब बता रहे हैं कि आपने इस्लामाबाद जाने से एक्सक्यूज कर लिया है। जी ऐसा ही है मैम, मेरी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से। फैसल, जब फैमिली कमिटमेंट्स ऑफिशियल कमिटमेंट्स पर हावी होने लगती है ना, तो इंसान का करियर रुक जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो,
तो पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। और फैमिली इश्यूज को अपने पैरों की जंजीर नहीं बनाते। अंडरस्टैंड? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन लेकिन अगर मगर ये तरक्की की राह की रुकावटें होती हैं। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। थैंक यू। जा सकते हैं आप। विशिषा मेरे कमरे में आई है। हेलो मन्नत, थैंक गॉड तुमने कॉल तो की। देखो अज़रा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कितना कुछ मालूम है, लेकिन जो कुछ भी मालूम है अज़रा, प्लीज मुझे सीधा सीधा बता दो। घुमा फिरा के मुझसे बात नहीं करना, जो सच है मुझे वो बता दो। कैसा सच? वही सच जिसकी वजह से मुराद मुझे इतने टाइम से अवॉइड कर रहा है। मेरी पूरी फैमिली उसको कॉल्स पे कॉल्स कर रही है और वो किसी की कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि मेरे बड़े भैया तक की नहीं। और प्लीज मुझे ये मत कहना कि उसकी टांग टूट गई है या उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया एंड स्टफ लाइक दैट। मन्नत, मेरी खुद उससे बात नहीं हो पाई है, वो फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। व्हाई, इज ही डेड? देखो मन्नत, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुराद की मजबूरी। मजबूरी? अज़रा, उसकी कौन सी मजबूरियां हैं? हमारी शादी हुई है, मैं बीवी हूँ उसकी। यार मन्नत, मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट मुझे और अथर दोनों को ऐसा लगता है कि आंटी को सच पता चल गया है। कौन सा सच? यही कि तुम और मुराद एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनसे झूठ कह के शादी किया। सबके सब पागल हो गए हैं। क्या हो गया मन्नत? भाभी, अब अगर मुराद मेरे सामने आया ना, मैं उसको गोली मार दूंगी। I will kill him. Just listen to me. Just calm down. Calm down. इधर आके बैठो। शकीब से जरा पानी लाइएगा। बैठो, बैठो, मुझे बताओ क्या हुआ, हुआ क्या है? भाभी, मेरी अभी अज़रा से बात हो रही थी और उसको लगता है कि उसकी अम्मी को सब कुछ सच पता चल गया है, that we all planned and whatsoever, तो जी शुक्रिया शुक्रिया। और इसीलिए मुराद कहीं चला गया है और वो मुझे नहीं बता रहा, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, वो घर नहीं आ रहा, हम में से किसी से बात नहीं कर रहा, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, वो मुझे नहीं बता रहा दैट इज ही डेड और इज ही अलाइव। व्हाट? मन्नत मेरी बात सुनो, जस्ट काम डाउन, सिट डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ। इस तरह नहीं मामले हल होते। नहीं, ये इतनी सी बात है और वो मुझे बता नहीं रहा है। मेरी बात सुनो, स्टॉप अज्यूमिंग द वर्स्ट, एवरीथिंग विल बी फाइन। थोड़ा सा पानी पी, सांस तो लो सही तरह। भाभी, मुझे नहीं चाहिए अभी कुछ। आपने कभी ऐसा मुजरिम देखा है जिसने कोई जुर्म ना किया फिर भी वो मुजरिम है? मुझे अपनी बीवी को थोड़ा सा टेढ़ापन दिखाना पड़ेगा, मेरे छोटे भाई का घर फंस जाएगा और हम सब कोर्ट कचहरियों में जलील खार होने से बच जाएंगे। तुम्हारी और मेरी शादी मौत के कुएं की तरह एक दायरे में गोल गोल घूम रही है। विशाल को अगर तलाक हो गई तो सह नहीं पाएंगे। विशाल, फैसल, जब फैमिली कमिटमेंट्स ऑफिशियल कमिटमेंट्स पर हावी होने लगती है ना, तो इंसान का करियर रुक जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना होता।
आ गए दामाद मौसूफ, हमारी मुश्किलें बढ़ा, पता नहीं क्या होगा। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है आप ही, मुराद भाई की हालत देखी नहीं जाती मुझसे, और पता नहीं मन्नत भाभी कैसी होंगी, क्या सोचते होंगे उनके घर वाले। कितनी बार फोन आ चुका है। वो तो फुप्पो जी मेहंदी वाले दिन एक बार फिर उसके में चला गया था, जो तो मैं होता ना एक झटके में पहचान लेता अजरा को, मेरा मतलब है मन्नत को, फिर देखता मैं कैसे होती है शादी। आखिर कब तक मुराद को पल्लू से बांध के रखेंगे अम्मी? अगर मन्नत को आप बहू तस्लीम ही नहीं करती तो कह दें पगाम भेजते वहां पे, कह रखे अपने पास, हमें नहीं चाहिए। इतना आसान नहीं है, अगर अपना घुसने दिया ना मन्नत को तो मुराद भाई चले जाएंगे वहां। चार भाइयों की इकलौती बहन है वो, तो बखुशी अपनी बेटी को भी रख लेंगे और दामाद को भी, फिर क्या करेंगे आप लोग? नई नई शादी हुई है, वो भी मोहब्बत की। हाय, ये निकार दामाद बन के रहेगा मुराद? तो और क्या, जश्ता भी खूब है उस पर, तो वही तो है वो जन मुरीद, घर दामाद भी आता हुआ, बीवी के पीछे दुम मिलाता हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा एतमाद है, मेरा मुराद कभी मेरी नाफरमानी कर ही नहीं सकता, ना ही माँ का दिल दुखा सकता है। अब भी देख लो भूखा प्यासा ऊपर बैठा है, मगर मेरी कसम नहीं तोड़ी है उसने। हाँ, और जब भूख हड़ताल की आखिरी स्टेज पे पहुंच के भी मुराद भाई ने हथियार ना डाले तो फिर क्या करेंगी आप? फिर तो अम्मी आप ही को अपनी कसम वापस लेनी पड़ेगी ना, या अपने इकलौते बेटे को देख सकेंगे आप भूख से मरता हुआ? तोर फिटे मुंह तेरे होंदा, कितनी बार तुम्हें समझाया है मैंने कि मौत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते हैं भाई के लिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक बात कह रही है इतरा। बात तो तब होती ना फुप्पो जी, जब वो नीचे आकर आपके साथ बैठता, आपके हाथ से खाना खाता और कहता माँ जी आप ऐसी हजारों बीवियां कुर्बान, लेकिन नहीं, फर्मा बरदार औलादे तो माथे पे शिकन तक नहीं आने देती फुप्पो जी, उफ तक नहीं कहती माँ बाप के आगे। क्यों परेशान कर रहे हैं आप सब मिलके अम्मी को, पहले ही घर में इतनी टेंशन है, ऊपर से आप बैठ के उनको भड़का रहे। इसमें भड़काने वाली कौन सी बात है, अब मसले का हल तो निकालना है ना। अभी चार दिन बाद मन्नत ने वापस आ जाना, उसके आने से पहले जो करना कर लें। क्या करें हम फुप्पो जी? मैं कहता हूँ मुराद से कहें उसे कि मन्नत के घर तलाकनामा भिजवाए, बस सीधी सी बात है। बस देखें शौकत भाई, अब आप गलत बात कर रहे हैं। हाँ तो झूठ बोला गया ना हमसे, इतना बड़ा सजा नहीं मिलनी चाहिए? बेगम साहिबा तो मकलावे गई थी, वहीं डेरे डाल लिए, और घर वालों को जरा शर्म नहीं आई कि ससुराल वापस भेजे बेटी को। अम्मी मैं तो कहती हूँ अभी के अभी उसे वहीं से ही फारग करा दे। मुराद का अर्दमात बन गया ना तो सारे के सारे हाथ मलते रह जाओगे। आदिल यार जल्दी करो प्लीज। हाँ आ रहा हूँ, चलो चलो। आप लोग समझते क्यों नहीं है, वहां ऐसे जाके आप लोग सिर्फ मेरी ही इंसल्ट कर रहे हो। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी भैया हमने सोचा हम खुद मुराद की तरफ। बड़े भैया मैंने इन्हें बहुत दफा समझाया लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं। आप बताएं इन्हें वहां नहीं जाना चाहिए ना? हाँ तो नहीं जाना चाहिए। सी ठीक कह रही है मन्नत, यानी वो हमारी कॉल अटेंड नहीं कर रहे, मुराद हमसे राब्ता नहीं कर रहा, और तुम दोनों हमसे पूछे बगैर हमारी इज्जत और गैरत को बालाए ताक रख कर वहां मुंह उठाकर चल पड़े हो। करोगे क्या जाकर, पैर पकड़ोगे उनके? हाँ और गलती क्या है हमारी मंतु की, बोलो। भैया हम किसी के पैर नहीं पकड़, लेकिन वहां जाके खुल के बात तो कर सकते हैं, हमें भी तो पता चले कि क्या वजह है उसने ना अपनी बीवी से राब्ता किया ना उसकी खबर ली है। हक है हमारा पूछने का, बहन है हमारी, ऐसी बैठे रहे? भाभी को मैं बहुत दफा बोल चुकी हूँ कि मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। मुराद को जानती हूं मैं बहुत अच्छी तरह, नहीं आएगा वो कभी भी यहां, और अगर नहीं आता तो ना आए, आई डोंट केयर, मैं भी नहीं जाऊंगी उस घर में।
हमारी गलती है, हमने ही हामी भरी थी इस रिश्ते की। इससे तो बेहतर था सभी हम मन्नत का रिश्ता उसकी पसंद के मुताबिक कर देते, वो लड़का इस नामुराद से तो बेहतर होता। यार अदर तो क्यों नहीं समझ रहा, मैं किसी भी सूरत में अम्मी की मुखालफत नहीं मोल ले सकता। अभी उन्होंने मुझे मन्नत को वापस लाने से मना की, अगर मैंने ज्यादा रिजिस्ट किया ना तो उन्होंने मन्नत को तलाक देने का मुतालबा कर देना। क्या मतलब है तलाक का मुतालबा कर देंगी? शांति कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है जो किसी की खुशी और नाराजगी में दो दिनों में खत्म कर देंगी? लेकिन अम्मी, ये अम्मी की रट लगा रखी है, तू कि दूध पीता बच्चा। मन्नत किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तू कैसे उसकी जिंदगी के साथ खेल सकता है? मैं अभी भाभी को कॉल कर रहा हूँ और उन्हें कह रहा हूँ कि वो घर वापस आए और तेरा इंतजार बिल्कुल ना करे, वरना पानी सर से गुजर जाएगा। लेकिन क्या लेकिन? गई भी तो अपनी मर्जी से जीना, अपने भाई और भाभी के साथ तू उन्हीं के साथ वापिस आ जाए। तेरे जैसे बुजदिल इंसान का इंतजार क्यों कर रही हो? यार तो मेरी बात सुन। मैं अब तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर मन्नत के घर वालों का भी अना का मसला है तो मैं और अदरा चले जाएंगे मन्नत भाभी को लेने। अच्छा ठीक है फिर, जो तुम लोगों का दिल करता ना वो करो, मेरी ना सुनना। यार तू अपनी नहीं सुनता, मैं तेरी क्या सुनूं? इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी तू अपने आप को कमरे में बंद करके बैठा हुआ। यार मैं हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठा हुआ, भूख हड़ताल पर हूं मैं। जो नीचे से ट्रे आती है ना खाने की, वापस भिजवा देता हूँ। और जो मेरे पास चॉकलेट और बिस्किट थे वो भी खत्म हो गए हैं। तो ये कि मुझे कुछ खाने में भेजो। एक तो नई लबेनी दुल्हन से जुदाई, ऊपर से खाली पेट, क्या चाहते हो तुम लोग, मैं खुदकुशी कर लूं? खुदकुशी करना ना तेरे बस की बात भी नहीं है, ये बुजदिल इंसान नहीं कर सकता। अतर के तेरी सिचुएशन होती ना मैं तुझसे पूछता, मैं तेरी जगह होता ही ना। मन्नत, अथर की कॉल है, तुम्हारे फोन बंद था तो उसने मुझे कॉल की है। उसने क्या बात करनी है मुझसे? I don't know, खुद बात करके देख लो ना, शायद मुराद की तरफ से कोई मैसेज हो। क्यों, वो खुद क्यों नहीं बात कर सकता, शर्म आती है क्या उसे? यार, शायद वो तुमसे डर रहा हो या मे बी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। अब सही गेस किया ना। He is always in a difficult situation. वो अपनी उस हिटलर माँ और उन साइको बहनों के हाथों ना किसी ना किसी सिचुएशन में हमेशा होता है। It's nothing new. अच्छा बात तो कर लो ना। मुझे नहीं करनी बात। ये किसका फोन है भाई, किससे बात करा रहे हो? अथर की कॉल है। हमें दो। अथर मियां, अगर आपके दोस्त में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे सामने आकर हमसे बात करे तो हमारी बेटी किसी से बात क्यों करे? अंकल वो बड़े भाई, वो असल में बात ये कि मुराद के घर में कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है, वो कुछ दिनों में मन्नत को लेने आ जाएगा, उसको इस वक्त आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट तो हम करेंगे उसे जब वो हमारे सामने आएगा, समझता क्या है वो खुद को बताइए मुझे। यानी उसकी वालदा माजदा दुनिया की वो वाइट शख्सियत है जिन्हें गुस्सा आता है और हम यह चूड़िया बन के बैठे हुए, यानी हम हर बात बर्दाश्त करें उसकी। सुनिए, हमने अपनी बहन की आंखों में कभी एक आंसू नहीं आने दिया और उसने चार दिन में खुद के आंसू रुला दिया। हिम्मत है तो हमारे सामने आके बात करे। हिम्मत ही तो नहीं है उसमें, बाकी सब कुछ है। पर कहां का मर्द है वो, कहां गई वो चादराहट? और आप ऐसे अमन की फाख्ता बने हुए और वो कबूतर की तरह आंखें मूंद करके बैठा हुआ है कि मसले खुद हल हो जाएंगे। अरे ऐसे होते मसले हल, डरपोक बुजदिल कहीं का। अब इस मसले का एक ही हल है, आप मुराद को बता दीजिएगा, जब वो मन्नत के लिए अलहदा घर ले ले तो तब हम उससे बात करेंगे। उस चिड़िया घर में जहां मुराद की वालदा और बहने हैं, हम अपनी बेटी को वहां नहीं जाने देंगे, बता दीजिएगा उसको। फंस गया ये तो, और इस दफा बहुत बुरा फंस गया ये। ठीक है, हमने क्यों परेशान होती हो? देखो हम करते क्या है इसके साथ। अहमद कहीं का, यानी फोन करवा रहा है अपने दोस्त, ये पकड़ो भाई। संभाल लेंगे हम उस हर चीज को, हम हैं तुम्हारे साथ। अच्छा
यार तुमने समझाने की कोशिश नहीं की उन्हें, और मन्नत क्या कहती है? यार वही जो उसके भाई ने कहा था, मैंने तो वहां इस उम्मीद से फोन किया था कि शायद वो अपनी अना को भूल कर उसको खुद छोड़ने आ जाएंगे। और तेरा क्या बताता कि तेरे पांव पे मेहंदी लगी है? या सच बोल देता कि आंटी ने तुझे दूध न बख्शने की कसम देकर रोक रखा है? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ करे यार, मैं मन्नत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और मन्नत के साथ तो आंटी तुझे जिंदा नहीं रहने देंगी। दोनों सूरतों में तेरा बचना मुश्किल है मुराद। अब तू ये फैसला कर ले कि तूने बहादुरी की मौत मरना है, या तूने एक बुजदिल आशिक की तरह मन्नत की याद में सारी जिंदगी रोते हुए गुजारनी है। गॉड ब्लेस यू यार, मैं अब तेरी मदद कोई मदद नहीं कर सकता। मुराद भाई, मुराद भाई, दरवाजा खोले। मुराद भाई, कितनी बार तुम्हें मना किया नहीं कि मेरे कमरे में खाना लेकर ना आया था? नहीं है मुझे भूख, और जाके अम्मी को बता दो उनकी दी हुई कसम नहीं तोड़ रहा, चाहे मेरी भूख से जान ही क्यों ना चली जाए। अम्मी ने नहीं भेजा है, मैं लाई हूँ आपके लिए। और भूख के कितने कच्चे हैं आप ये हम अच्छी तरह जानते हैं। एक वक्त का खाना तो स्किप होता नहीं, भूख हड़ताल खाक करेंगे। भाई इस तरह कमरे में बंद रहकर आप अम्मी को उनका फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? कितनी जिद्दी और अनापरस्ती की नौज है, माँ है वो हमारी, एक ना एक दिन उनका दिल जरूर पिघलेगा। बेटा हूं मैं यार, मानता हूँ कि अभी वो गुस्से में है, लेकिन अपने बेटे का घर दबाव तो नहीं देख सकेंगी। मुराद भाई आप अपना घर और वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हैं। आप जरा नीचे जाकर देखिए कि आपके आगे पीछे हो क्या रहा है। सुबह से नुदरत आपे और शौकत भाई अम्मी के साथ सर जोड़े बैठे, उनका बस चले तो आज के आज ही मन्नत भाभी को तलाकनामा भिजवा कर फारिग कर दे। और भाई प्लीज किसी खुशफहमी में मत रहिएगा, अम्मी को किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है, उन्हें दूसरों को झुकाना खूब आता है। मेरी बात हुई है फिर से, वो कह रहे इतना बड़ा मसला नहीं है। एक्चुअली रात की अम्मी को बुरा लगा था कि वो यहाँ मन्नत के साथ स्टे कर रहे हैं, उनसे इजाजत लिए बगैर आया था वो यहाँ पे। अच्छा तो हमारे घर में भी इजाजत के बगैर ही घुसा था वो ना मुराद, चोरों की तरह आधी रात को दीवार फांद के, ऐसा ही है ना? तो फिर उनकी तरबियत में खोट हुआ ना, हमारी बच्ची को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, क्यों ब्लेम कर रहे हैं वो? भैया मेरी बात सुने, भैया दोनों ना समझ है, जज्बाती है, नई नई शादी हुई है उनकी, और वैसे भी एक दूसरे से मिलने के लिए उनको किसी की इजाजत की तो। एक मिनट सबिया, हमारे घर में दाखिल होने के लिए, हमारी बहन से मिलने के लिए उसे हमेशा हमारी इजाजत की पेश की जरूरत रहेगी। भले ब्याह दिया हमने अपनी बहन को, लेकिन वो पहले हमारी बहन है, इस घर की बेटी है, उसके बाद किसी की बीवी और बहू है। सुन ले सब। ये सब आप हमें क्यों सुना रहे हैं? और ये कौन सा वक्त है मन्नत पे अपनी मिल्कियत साबित करने का? शादी हो गई है उन दोनों की, मन्नत को अपने ससुराल में होना चाहिए। अरे तो नामुराद लेने क्यों नहीं आ रहा उसे? इसी बात पे तो झगड़ा है बड़े भैया, मन्नत जिद कर रही है कि मुराद उसे लेने आए, और मुराद और वो नामुराद कहीं दुबक के बैठा होगा अपनी अम्मा के डर से टोकरे के नीचे, बुज़दिल कहीं का। भैया प्लीज, मुराद इस घर का दामाद है, आप कम से कम मन्नत के सामने तो उसके शोहर को बुरा भला मत बोला करें। जैसा भी है आपको नहीं भी पसंद है तो उसका शोहर। अरे इसी बात का तो रोना है सबिया, हमने ये सोचकर हामी भरी थी कि मन्नत को एक खानदानी माहौल में असर आएगा, माँ और बहनों की कमी से जो खला उसकी शख्सियत में रह गया उस हरे भरे घर में जाके पूरा हो जाएगा, यही कहती थी ना तुम। क्या हुआ? ठीक है मानते हैं हम ऊंच नीच हर घर में होती है, आजकल की बच्चियां बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पाती हैं ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में, लेकिन अल्लाह इतना नीच घटिया और कमजोर्फ निकलेगा, दो दिन में असलियत दिखा दी उन लोगों ने। अब्बासी ने कहा था कि
हां करने से पहले इस्तखारा करवा लो, लेकिन जल्दबाजी में नहीं मानी हमने उसकी बात। जरा बराबर भी अंदाजा होता ना, हम कभी हां ना करते। और सबिया, हमारी मोहनत के लिए रिश्तों की क्या कमी? भैया, इस रिश्ते से इनकार करना कोई इतना आसान नहीं था। हमने आपको बताया नहीं, लेकिन मन्नत की मर्जी, उसकी पसंद इस रिश्ते में पूरी तरह शामिल थी। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे भैया। मना किया था उसने आपको बताने से। अब बोले किस तरह हम कर सकते थे इस रिश्ते से इनकार? आप जानते नहीं हो उसकी जिद को। पीपीओ का चेक करना पड़ेगा, कहीं शूट ना हो जाए। मैं देख कर आता हूं। What? I had to tell him. इससे बेहतर मौका नहीं मिला था। नजर ही लग गई हमारी खुशियों को। मुराद भाई का हंसता बसता घर उजड़ रहा है। फैसल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मना किया था ना कि हर बात आंटी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम और नुसरत बाची सुबह उठते ही पहला काम ये करते हो कि आंटी को फोन मिलाते हो और फिर नमक मिर्च लगा कर ना बात बताते हो। हमारा कसूर है, उसका नहीं है जिसने झूठ बोला है। आपको पता है फैसल, मुराद भाई और मन्नत ना एक ही ऑफिस में काम करते थे शादी से पहले। शादी से पहले कई अरसे तक मिलते रहे। मुराद भाई ने शमी मारा को पैसे खिलाए कि अम्मी से हाँ करवा दे। तो समझ नहीं आ रहा भाई, एक लड़की को हासिल करने के लिए इतने झूठ बोले, अपने करीबी रिश्तेदारों के दिल दुखाए। खैर, झूठ ना सामने आ ही जाता है, फिर वो चाहे हमारे जरिए होता है या किसी और के जरिए। कि तुम्हारे नुसरत आपी और शौकत भाई है ना, अच्छी तरह जानता हूं मैं उनको। रिश्तेदारा खास्ता मुराद की तलाक करवा के छोड़ेंगे। अच्छा फैसल, आप मुझे एक बात बताएं। अगर आप होते मुराद भाई की जगह, तो आप मन्नत की बात मानते या अम्मी की कसम की लाज रखते? मैं ऐसा मौका आने ही ना देता भाई। औरतों की बात तो वैसे भी नहीं सुननी चाहिए, मर्द को वो करना चाहिए जो उसे सही लगता है। क्या आप कह रहे हैं फैसल, आपके व्यूज कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो गए? भाई बदलने होंगे ना, आगे नहीं बढ़ना कि पूरी जिंदगी कुएं के मेंढक की तरह बैठकर औरतों के माथे के बल गिनते रहने। मैं तो मुराद को भी ये कहूंगा कि भाई उसे वो करना चाहिए जिसमें उसे ज़हनी सुकून मिले, चाहे उससे तुम्हारी अम्मी नाराज हो या भाभी। और मर्द को इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, समझी? चपाती बनाइए कि बिरयानी कराऊं? हाँ। जी अम्मी, आपने बुलाया? बुलाया है, बात करनी है तुमसे जरूरी, बैठो। जी अम्मी। खत्म करो आप इस मामले को, लोग बहुत बातें बना रहे हैं। घर जाके बैठ गई है वो लड़की। अम्मी, मैं भी यही कहना चाह रहा था, अब तो बात मेरे ऑफिस तक पहुंच चुकी है। देख मुराद, मैंने बहुत पेट काट काट के तुझे पाला है, अपनी बेटियों के मुंह से निवाले छीन छीन कर तेरे मुंह में डाले, पढ़ाया लिखाया है तुझे,
इस मुकाम पर पहुंचाया है इस दिन के लिए नहीं कि तू एक लड़की के पीछे लग के मार बहनों को धोखा दे, उनकी आंखों में धूल झोंक के। तुझे अगर मेरी नाराजगी का जरा सा भी एहसास है ना तो मन्नत को तलाक भेज उसके घर, नहीं तो तूने मेरी मरी हुई का मुंह देखना है। मैं कह रही हूं तुझे ये बात कभी ना भूली, अगर तू उस लड़की को लेके आए ना वापस इस घर में तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है।